जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। तो क्या आपको भी लगता है कि ऐसा कहने के बाद नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए? क्योंकि विपक्ष को यही लगता है। ये सवाल इसलिए है क्योंकि शराबबंदी का कानून उनका बनाया हुआ है और इस खबर को लिखे जाने तक बिहार में नकली शराब पीने के ताज़ा मामले में 39 लोगों की मौत हो गई है। तो पहले पहल तो सीएम को ये बताना चाहिए कि जब शराब बैन है तो जहरीली शराब आखिर मिल कैसे रही है, इसकी सेल के लिए जो जिम्मेदारी है वो किसकी बनती है। बिहार में शराबबंदी नीतीश कुमार के दौर का सबसे असफल फैसला है, ये विपक्ष का मानना है। इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए और इस स्टोरी में हम आपको इसके पीछे के कई कारण बताने वाले हैं, लेकिन थोड़ी देर और जिम्मेदारी तय करने की बात करते हैं। सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार इसके लिए जिम्मेदार हैं या नहीं है, ये सवाल है विपक्ष का। ये सवाल इसलिए है क्योंकि बिहार के गृह मंत्री नीतीश कुमार हैं, पुलिस उनके पास है, उस पुलिस की निगरानी में 2022 में भी जहरीली शराब बिक रही है, जबकि ये 2016 से बिहार में बैन है। लेकिन ऐसे सीएम और उनकी पुलिस से और क्या उम्मीद कर सकते हैं जिनके राज में पुलिस शराब जब्त करती है और इससे चूहे पी जाते हैं। पर शराब पीने वाला तो मरेगा ही और जिम्मेदारी किसी की भी तय नहीं होगी, ना तो सीएम महोदय की और ना ही बिहार पुलिस की। अब आपको बताते हैं कि बिहार में शराबबंदी ऐतिहासिक रूप से असफल फैसला क्यों है। नंबर एक, बिहार जो है वो यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल और नेपाल तक के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इनमें से कहीं पे भी शराब बैन नहीं है। बिहार के कई जिले इन चारों जगहों से लगते हैं। ऐसे में जो बॉर्डरिंग जिले के लोग हैं वो यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल और नेपाल अपने मूड और सहूलियत के हिसाब से मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट वॉक करते हुए जाते हैं और मदिरापान का आनंद लेते हैं। इसका असर बिहार सरकार की जेब पर भी पड़ता है। ORF की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2015-16 में बिहार को शराब से 4,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आता था। 2016 में शराबबंदी हो गई। ORF की इसी रिपोर्ट की माने तो 2016 की शराबबंदी के बाद बिहार को अब 40,000 करोड़ रुपए का घाटा हर साल हो रहा है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? बिहार कोई गरीब राज्य थोड़ी है, यहाँ की इकोनॉमी अमेरिका और ब्रिटेन जितनी विकसित है। तो 40,000 करोड़ जैसा लूज चेंज नीतीश कुमार या बिहार क्या करेगा? अब हो क्या रहा है कि बिहार जैसे अमीर राज्य से बंगाल और झारखंड जैसे राज्यों में पैसा जा रहा है, लेकिन बिहार तो एक अमीर राज्य है, क्या फर्क पड़ता है? खैर, ऐतिहासिक असफलता में एक और अध्याय जोड़ते हैं। इस अध्याय में बात करेंगे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव की। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि शराबबंदी से रेवेन्यू का लॉस होगा, जो कि हो रहा है, और स्मगलर्स की चांदी होगी, ये भी हो रहा है। अब जब तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम हैं तो उन्हें यह बताना चाहिए कि शराबबंदी का जो फैसला है उसे वापस क्यों नहीं लिया जा रहा। इस पॉलिसी की आलोचना सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस तक कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि इस कानून में दूरदर्शिता नहीं है, मतलब इसको सोच समझ के नहीं बनाया गया। इस कानून की वजह से पटना हाई कोर्ट से लेकर बिहार के लोअर कोर्ट तक काफ़ी बर्डन पड़ा है। मतलब सोचिए, एक सिटिंग चीफ जस्टिस ने इस कानून की आलोचना की थी, एक ऐसे कानून की जो कि बेहद सख्त है, लेकिन इसकी सख्ती के बावजूद लोगों की मौत हो रही है और मोरबी की तरह इसके लिए भी लोग ही जिम्मेदार हैं। मुख्यमंत्री जी के मुताबिक पीने वाला तो मरेगा ही, लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई। अक्टूबर 2022 में पटना हाईकोर्ट कह चुका है कि बिहार सरकार शराबबंदी को लागू करने में फेल रही है, सरकार फेल रही है, मतलब इसे लागू करने का जिम्मा सरकार का था। अगर किसी की मौत हुई है तो जिम्मेदारी सरकार की बनती है। पटना हाईकोर्ट ने आगे कहा था कि बिहार में शराब आसानी से मिल जाती है, 18 साल से कम उम्र के बच्चे इसको ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, बैन की वजह से ड्रग्स लेने का चलन बढ़ा है। यह भी कहा गया था कि शराब माफिया के बजाय ऐसे लोगों पर ज़्यादा केस हुए हैं जिन्हें पीते हुए पकड़ा गया है। माफिया के खिलाफ जब मामला आता है तो उसे कमज़ोर कर दिया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, पटना हाईकोर्ट ने ये बातें खुद कही हैं। तो अब बात करते हैं देश और दुनिया में शराबबंदी के सक्सेस की, सफलता की। शराबबंदी ही नहीं, किसी भी तरीके की बंदी, किसी भी तरीके का बैन कहीं भी सफल नहीं होता। अमेरिका ने 1920 में शराबबंदी की थी, ये फेल हो गया। गुजरात जैसे राज्य में शराबबंदी के असफल होने से जुड़ी आपको कई स्टोरीज मिल जाएंगी। हरियाणा से लेकर केरल तक जैसे जो राज्य हैं उनमें शराबबंदी फेल रही। नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों ने इसको बैन करने की कोशिश की, लेकिन वो भी फेल हो गए। ऐसे में जो पिएगा वो मरेगा जैसी बातें करने के बजाय नीतीश कुमार इस पॉलिसी को वापस ले सकते हैं। हम्बली मान सकते हैं कि ये पॉलिसी एक डिजास्टर है और इसे वापस लेने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मांझी हों, उनके सहयोगी या लेफ्ट के उनके सहयोगी हैं, उन सबको ऐसा लगता है कि इस पॉलिसी में कहीं ना कहीं खोट है। आप ही कमेंट बॉक्स में हमें ये ज़रूर बताइए कि आपका इस पॉलिसी पे क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है कि ये फैसला रहना चाहिए या जाना चाहिए। बाकी ऐसे ही एक्सप्लेनर्स के लिए देखते रहिए अनकट। मेरा नाम है तरुण।
Thank you.